नमस्कार, मैं हूं सरिता। पिछले वीडियो में हमने क्ले से सौरमंडल बनाकर ग्रहों के साइज को कंपेयर किया था। जब किताब में हम इनकी फोटो देखते हैं तो ग्रहों के साइज में ज्यादा अंतर नहीं दिखाया जाता, सभी लगभग एक ही आकार के दिखते हैं। लेकिन जब हमने क्ले से एक्टिविटी की तब हमें ये पता चला कि प्लैनेट्स के साइज में काफी वेरिएशन है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, धरती बृहस्पति के सामने एकदम छोटी सी लग रही है। तो एक बार ये एक्टिविटी करते एकदम क्लियर हो जाता है कि हम कितने छोटे हैं। पिछली एक्टिविटी में हमने क्ले से प्लैनेट्स बनाकर उनको बराबर बराबर दूरी पर रख दिया था, पर असल में ग्रहों के बीच की दूरी काफ़ी अलग है। जैसे धरती से मंगल की दूरी और मंगल से बृहस्पति की दूरी बराबर नहीं है, उसमें बहुत फर्क है। और आज हम यही फर्क टॉयलेट पेपर की मदद से दिखाएंगे। नॉर्मली हम दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन ग्रहों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए किलोमीटर में मापना सुविधाजनक नहीं है। तो हम इन दूरियों को खगोलीय इकाई में मापते हैं, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूरज से धरती के बीच की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक AU कहते हैं, और किलोमीटर में बोले तो एक AU 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। तो चलिए बाकी प्लैनेट्स की दूरी को भी हम सबसे पहले AU में लिख लेते हैं। जैसे बुध की सूरज से दूरी 6 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर एक AU के बराबर है, तो 6 करोड़ किलोमीटर 0.4 AU के बराबर होगा। ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स की दूरी को भी हम AU में निकाल सकते हैं। अब इन दूरियों को हमें टॉयलेट पेपर से दिखाना है, और यहां पर हम एक AU को 5 शीट से दिखा रहे हैं। यानी अगर धरती की दूरी एक AU है तो हम उसे सूरज से 5 शीट्स दूर रखेंगे। तो धरती के लिए तो हमें 5 शीट्स लगी। अब बाकी प्लैनेट्स के लिए कितनी टॉयलेट शीट्स लगेंगी ये निकालने के लिए हम जो उनकी AU में दूरी है उसको 5 से गुणा कर देंगे। जैसे मरकरी की सूरज से दूरी 0.4 AU है, तो 0.4 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो 2 आया। तो हम मरकरी को सूरज से 2 शीट्स दूर रखेंगे। ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स के लिए भी ये कैलकुलेशन कर लेंगे, और किसको कितनी दूर रखना है हमें ये पता लग जाएगा। वरुण को हमें 150 शीट दूर रखना है, तो इसके लिए हमें एक बड़ी जगह चाहिए होगी। तो चलिए बाहर चलते हैं। अब प्लैनेट्स को रखना शुरू करते हैं। सूरज के सबसे पास 2 शीट्स के बाद हम बुध को रखेंगे, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है। आगे बढ़ते हैं। अब बुध से 1.5 शीट दूर शुक्र आएगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि सूरज से 3.5 शीट दूर हमने शुक्र को रखा। इसका एटमॉस्फेयर CO2 से भरा हुआ है, इस वजह से शुक्र सबसे गर्म प्लैनेट भी है। सूरज के सबसे पास तो बुध है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सबसे गर्म शुक्र है। तो हमें CO2 कम छोड़नी चाहिए और धरती का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद सूरज से 5 शीट्स दूर हम सबका घर अर्थ, द ब्लू प्लैनेट, सौर मंडल का इकलौता ऐसा ग्रह जहां पर जीवन है। 7.5 शीट के बाद मार्स या मंगल, जिसे हम अपने नए घर के रूप में देख रहे हैं। इलोन मस्क की माने तो 2060 तक लाखों लोग वहां रहने लगेंगे। अब इन छोटे छोटे ग्रहों को रखने के बाद गैस जाइंट्स के पास चलते हैं, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। इन प्लैनेट्स में धरती के जैसा सॉलिड ग्राउंड नहीं है, सिर्फ गैस ही गैस है। इनमें सबसे पहले आता है बृहस्पति, इसको हम सूरज से 26 शीट्स दूर रखेंगे। बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसमें 1200 धरतियां समा सकती हैं। फिर 48 शीट के बाद आता है शनि, जो कि अपनी रिंग्स के लिए फेमस है।
और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। इसका डायमीटर 130,000 किलोमीटर है। और अगर इतने बड़े डायमीटर के सामने इसकी रिंग को देखें तो वो सिर्फ 1 किलोमीटर मोटी है। अब दो जुड़वा ग्रह बचे हैं जो लगभग सेम साइज के ही हैं, अरुण और वरुण। इनका नाम भी जुड़वा जैसा ही है। सूरज से 96 शीट्स के बाद आएगा अरुण। और आखिर में सूरज से 150 शीट्स दूर आता है वरुण, जो कि सौरमंडल का आखिरी ग्रह है। ये सूरज से 450 करोड़ किलोमीटर दूर है और 165 साल में सूरज का एक चक्कर लगाता है। लास्ट में ये देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के मॉडल में क्या गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि हमने प्लैनेट्स के साइज और उनके बीच की दूरी को दिखाने के लिए अलग अलग पैमाने का यूज किया। जैसे अगर इस क्ले के बने हुए प्लैनेट्स को देखें, तो अगर धरती को मैं इस क्ले बॉल से दर्शा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि 13,000 किलोमीटर की धरती को 1.3 सेंटीमीटर से दिखा रही हूँ। तो धरती की सूरज से दूरी जो 15 करोड़ किलोमीटर है वो 150 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो अगर धरती को सूरज से सही दूरी पर रखना है तो हमें 150 मीटर दूर रखना होगा और नेपच्यून को 4.5 किलोमीटर दूर। और अगर अर्थ को 5 शीट जितनी दूरी पर रखना है, इसका मतलब यह है कि इसका डायमीटर 1.3 सेंटीमीटर से छोटा होकर 0.004 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको देखना भी मुश्किल होगा। तब सोचिए बेचारे मरकरी का क्या हाल होगा जो पहले से इतना छोटा है। तो एक मॉडल में या तो हम प्लैनेट्स के साइज को अच्छे से दिखा सकते हैं या उनके बीच की दूरी को। दोनों दिखाने जाएंगे तो या तो हमें प्लैनेट्स को बहुत दूर रखना पड़ेगा या फिर उन्हें इतना छोटा बनाना पड़ेगा कि वो दिखेंगे भी नहीं। ये तो हुई अपने सोलर सिस्टम की बात, लेकिन हमारा ब्रह्मांड और भी अथाह है। जैसे लाइट को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसी लाइट को सबसे नियरेस्ट स्टार प्रोक्सीमा सेंचुरी तक पहुंचने में 4.5 साल लग जाते हैं। यानी अगर हम 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किसी गाड़ी में बैठकर उस तारे के पास जाएं तो हमें 4.5 साल लग जाएंगे। और ये तो सबसे पास वाला तारा है। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में इतने सारे तारे हैं और पूरे यूनिवर्स में कितनी ही गैलेक्सी। आशा करते हैं अगली बार जब भी आप सितारों की ओर देखेंगे तो ये भी सोचेंगे कि इस अथाह ब्रह्मांड में हम और हमारी समस्याएं कितनी छोटी हैं, और ये भी सोचेंगे कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी जो छोटी सी धरती है, हमारा जो इकलौता घर है, उसे हम बचा कर रखें ताकि आगे आने वाले लोग भी ये सोच सकें। थैंक यू।